हेलो एवरीवन सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपडेट के साथ तो जो अपडेट है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रुपीक की तरफ से हमें टेस्ट जरूर देखने को मिलेंगे सो so, रुपीक की तरफ से पर टेक्नोक्रेट रुपीक की फॉर एच ई एलिट मतलब जिन दोनों की मैंने लिंक्स पोस्ट करी थी उन दोनों से यहाँ पर टेस्ट आ चुके हैं ठीक है ठीके? इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में जो तो टेक्नोक्रेट का टेस्ट है वो दो आवर्स का है जैसा मैंने इसका पैटर्न भी ऑलरेडी बताया था पंद्रह मई से विंडोज ओपन है सिक्सटीन मई ट्वेंटी तक ओपन रहेगी एलिवेट 14 मई को यहाँ पर मिल्स रिसीव हुए और यहाँ पर जो विंडो है वो और ये दोनों आए हैं और दोनों की मैं डरी थी बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों का इन्वाइट आ चुका है तो इसके बारे में हम पहले, बाद में डिस्कस करेंगे पहले हम को डिस्कस करते हैं, लास्ट में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते, सबसे पहले हमें हायरिंग को मिल रही है पोस्ट करी गई है फ्रॉम एस असिस्टेंट फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए हायर कर रही है

एंड ये नॉन टेक पोजीशन होने वाली है टेक्निकल uh, पोजीशन नहीं होगी सो so, जो भी लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वाली ई मेल पर अपना रेज्यूम सेंड कर सकते हैं देन हम एक नई हायरिंग देखने को मिल रही है फ्रॉम आगामी आगामी टेक टेक इज हायरिंग फॉर इंजीनियर टेक्निकल सपोर्ट जीरो टू टू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी है अगर आप फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लियरली मेंशन है अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है सो so, uh, एक नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई देन वी एव हायरिंग ऑपर्चुनिटी फ्रॉम पे टी एम पे टी एम इज हायरिंग फॉर बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न जॉब लोकेशन आपकी मुंबई महाराष्ट्र रहेगी इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो मुंबई में इंटर्न uh, की पोजिशन है रिमोट होने वाली है देन वी एवर हायरिंग ऑपरचुनिटी फ्रॉम आर टी एक्स देर हायरिंग फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जॉब लोकेशन हैदराबाद रहेगी इसमें आप अपलाई कर सकते हो बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ परिटेल में विच यू कैन रीड इन द डिटेल और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजिशन है देन हमें हायरिंग देखने को मिल रही है आई क्यू वी आ So, यहाँ पर हायर कर रही है एनालिस्ट पोजिशन के लिए और ये एंट्री लेवल लेवल मिड और सीनियर सभी के लिए है आई क्यूवीआ से टेस्ट और यहाँ पर हमने इंटरव्यूज वगैरह पहले देखे हैं सो so मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें जरूर रजिस्टर कर देना देन आगे की बात करते हैं एक हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है दैट इज फ्रॉम क्वालकम 2024 कैंपस हायर एसोसिएट इंजीनियर के लिए हायर कर रही है एंड दिस इज फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बैच सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह यहाँ पर लिखी हुई है एंड uh, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो एसोसिएट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट मांगी है कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड में सो मैं ये सारी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप इन सभी में अप्लाई कर सकते हो अब बात करते हैं रुपी की तो रुपी के जो एक सबसे बड़ा अपडेट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं जैसा मैंने आपको बताया था कि रुपीक से यहाँ पर हमें टेस्ट रिसीव हुए हैं ठीक है थीके? और मैंने बताया था कि काफी बड़ी हायरिंग है बट इस बार क्या हुआ रुपीक ने जो टेस्ट भेजे हैं इसमें शॉर्टलिस्टिंग काफी ज्यादा करी है मतलब आप मान सकते हो कि ओनली टेन टू फिफ्टीन परसेंट बच्चों को यहां पर टेस्ट रिसीव हुए हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया था ठीक है बाकी बच्चों को अभी टेस्ट रिसीव नहीं हुए यहां पर एक और पॉसिबिलिटी है कि शायद जो बच बचे हुए बच्चे हैं उसमें से कुछ बच्चों को यहाँ पर टेस्ट और रिसीव हो और वो थोड़े से बाद में रिसीव हो यानी मतलब हो सकता है इस वीक में ही रिसीव हो जाएंगे बट थोड़े से आगे के डेज में ठीक है ये भी एक अभी पॉसिबिलिटी है क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि दो तीन बार यहां पर मेल्स गए थे ठीक है दूसरी बात जिन लोगों को एच ई एलिवेट का जो टेस्ट आया है जिसके ड्यूरेशन आपकी uh, 60 मिनट्स की यहां पर बताई जा रही है मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसका जो टेस्ट होता है 60 मिनट्स का होता है अब अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल है जैसा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था इसमें कुछ नहीं आता इसमें आपका एप्टीट्यूड आएगा ठीक है एप्टीट्यूड आपको प्रिपेयर करना है और रीजनिंग प्रिपेयर कर लेना प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के वो सब ठीक है और इसमें आपकी ज्यादातर एसक्यूएल और डीबीएमएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एच ई एलिवेट वाला टेस्ट है मतलब बिजनेस एनालिटिक्स वाला जो टेस्ट है ठीक है सो एप्टीट्यूड रीजनिंग एसक्यूएल डीबीएमएस कल एक बच्चे ने इसका टेस्ट भी दिया था जो टेस्ट का लेवल है ओवरऑल मीडियम रहता है जो एप्टीट्यूड है वो भी थोड़ा सा हार्ड आएगा जो एसक्यूएल आएगी उसका भी लेवल थोड़ा सा हार्ड रहता है सो so, अगर आप यहाँ पर एप्टीट्यूड या एसक्यूएल या अगर आप किसी को भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये बात आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि इसके टेस्ट का लेवल थोड़ा सा मीडियम हार्ड होता है और जो आपको क्वेश्चन है थोड़े से परेशान कर सकते

टेक्नोक्रेट वाले का वो उतना ज्यादा भी क्लियर नहीं है टेक्नोक्रेट का तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि टेक्नोक्रेट का जो मतलब जो टोटल आवर्स है वो टू आवर्स का टेस्ट है और इसमें आपके सीएस फंडामेंटल्स आ सकते हैं एप्टीट्यूड आ सकता है और साथ साथ में यहां पर कोडिंग क्वेश्चन भी हो सकता है कि आ ठीक है लेकिन सी एस फंडामेंटल जरूर आएंगे पोजिशन जो जो है ये प्योर टेक्निकल पोजीशन है इसका पैकेज यहाँ पर दस लाख ,00 से भी ऊपर होता है।, तो जिन लोगों को भी इसका रिसीव हुआ है आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट ठीक है सो आई होप ये टेस्ट आप अच्छे से देंगे मैंने दोनों हायरिंग पहले ही पोस्ट करी थी अब यहाँ पर एक्सपायर हो चुकी है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो